हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एलिमेंट के जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसकी एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। तो हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी 7.2 एक्सरसाइज को, और जो 7.2 एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो है मैं आपको कति जो हमारी डिफरेंशिएशन की फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस करा चुका हूँ। तो इस वीडियो का अगर आपको बेसिक ना पता हो तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं 7.2 एक्सरसाइज को। तो 7.2 एक्सरसाइज क्या कह रही है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7.2 का, वो कह रहा है कि हमें जो ये है ना फाइव पार्ट, इन फाइव पार्ट का वो डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलते हैं करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट कह रहा है कोस 5x, कोस 5x को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस 5x। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, पावर को सॉल्व करते हैं, फिर फंक्शन को सॉल्व करते हैं, और फंक्शन के बाद एंगल को सॉल्व करते हैं। तो इसकी पावर तो वन है, उसका तो कोई सॉल्व करना ही नहीं होगा। तो सबसे फिर बात आती है फंक्शन की। तो हमारे कोस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स। तो क्या होगा माइनस साइन और 5x, और फिर एंगल का करेंगे मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल कितना है 5x। तो क्या आएगा हमारे पास माइनस साइन 5x, और 5x का क्या होगा 5। तो क्या आया माइनस का 5 साइन 5x। तो ये है हमारा आंसर, फर्स्ट पार्ट है जो cos 5x, उसका आंसर क्या निकला हमारे पास माइनस का 5 साइन 5x। तो सबसे पहले फंक्शन को सोल्व करेंगे, फिर सोल्व किसको करेंगे हम एंगल को सोल्व करेंगे। फिर चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, cos x की पावर 4, cos x की पावर 4। तो सबसे पहले d by dx करेंगे किसका, हमारे फंक्शन का। फंक्शन कितना है हमारा cos x की पावर 4। तो cos का क्या होता है, अभी तक बताया मैंने, माइनस का साइन, तो क्या होगा माइनस साइन, एंगल एज इट इज x की पावर 4, और फिर करेंगे d by dx ऑफ एंगल, एंगल कितना है हमारा x की पावर 4। यही होगा हमारे पास, अब क्या आ जाएगा माइनस साइन x की पावर 4, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे मींस 4 आगे, और 4 में से एक बन जाएगा 3। तो हम इसको आगे लिख देते हैं माइनस का 4x क्यूब साइन x की पावर 4। तो ये आया हमारे पास किसका डिफरेंशिएशन, cos की पावर, cos x की पावर 4 का। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, थर्ड पार्ट कह रहा है कोसिकेंट, कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3। यही होगा हमारा, अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे इसे भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन मींस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद उसके एंगल का। तो कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट x कोट x। तो क्या होगा कोसिकेंट x, x कितना है हमारे पास रूट 2x प्लस 3 इंटू कोट x, कोट x कितना है माइनस, माइनस आता है कोट x, कोट कितना है हमारे पास रूट 2x प्लस 3। और इसके बाद हम क्या करेंगे d by dx ऑफ एंगल, एंगल कितना है हमारा रूट 2x प्लस 3। यही होगा हमारे पास, देखो फंक्शन का क्या आया माइनस का कोसिकेंट x कोट x, और फिर उसके एंगल का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, ये तो है इट इज माइनस कोसिकेंट x मींस 2x प्लस 3 और कोट रूट 2x प्लस 3 और इनटू में आप देखो रूट का क्या होता है हमारे पास 1/2 रूट एक्स। तो क्या होगा 1/2 एक्स कितना है हमारे पास 2x प्लस 3, और फिर इस फंक्शन का, तो 2x का क्या हो जाएगा 2 और 3 का क्या होगा 0। तो इस 2 से ये क्या 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या बचेगा माइनस का कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3 इंटू कोट रूट 2x प्लस 3 और अपॉन लिख देते हैं हमें रूट 2x प्लस 3। तो ये था हमारा आंसर किसका, पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का। तो ये थे हमारे पहले क्वेश्चन के तीन पार्ट, अब सॉल्व करेंगे हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। तो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारा रूट वाला क्वेश्चन है,
वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट हमारा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इनको, आओ जल्द से देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि डिफरेंशिएट रूट साइन इंटू साइन एक्स, रूट साइन रूट एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये रूट है ना, इस रूट को हमें इसकी पावर 1/2 कर लेते हैं। पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, इसकी पावर 1/2। आप देखो सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे तो पावर क्या होगा, 1/2 आगे और साइन रूट एक्स, और 1/2 में से माइनस का 1 हो जाएगा, यही होगा पावर का किस्सा खत्म। अब चलेंगे d/dx ऑफ किसको, साइन मींस फंक्शन की तरफ, रूट एक्स की तरफ, यही होगा। अब देखो 1/2 में से माइनस 1 जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा, और माइनस को प्लस करने के लिए हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो क्या होगा 1/2 रूट साइन रूट एक्स, यही होगा हमारे पास। देखो 1/2 बचेगा, 1/2 को हम रूट लिख सकते हैं, और साइन रूट एक्स का क्या आएगा हमारे पास, हमें पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, तो कोस रूट एक्स, यही होगा। और इसके बाद करेंगे एंगल का, मीन्स d/dx ऑफ रूट एक्स। सबसे पहले सॉल्व किया पावर का, फिर किया फंक्शन का, करेंगे एंगल का, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन इंटू रूट एक्स एज इट इज, और इंटू में आ गया हमारे पास कोस रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, 1/2 रूट एक्स, यही होगा। तो क्या लिख सकते हैं, कोस रूट एक्स एज इट इज, ऊपर नीचे आ गया 2 × 4 रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स। तो ये आया हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पहले क्वेश्चन का, कोट क्या कह रहा है, कोट की पावर पी और एक्स की पावर क्या हो, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। अब देखो कोट की पावर कितनी है हमारे पास, पी, और फिर एक्स की पावर क्या हो। तो हमारे पास सबसे पहले इस पावर को सोल्व करेंगे, फिर फंक्शन को, और उसके बाद एंगल को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर का पी का करेंगे, तो क्या हो जाएगा पी आगे और कोट एक्स की पावर क्या हो, और पी में से क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। क्या कर दिया, इस पावर का करने चले, पावर आगे और पावर में से 1 लेस। इसके बाद क्या करेंगे, d/dx ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारे पास, कोट कोट एक्स की पावर क्या हो, यही होगा। अब देखो क्या करेंगे, पी कोट पी की पावर 1 इंटू एक्स की पावर क्या हो, और कोट एक्स का हमें पता है क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, तो माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर और एक्स के स्थान पर एक्स की पावर क्या हो। और आप किसका करेंगे, d/dx ऑफ एंगल, एंगल कितना है हमारे पास, एक्स की पावर क्या हो, यही है हमारा। तो करते हैं सॉल्व, तो पी कोट की पावर पी माइनस 1 एक्स की पावर क्या हो, माइनस बाहर ले लेते हैं एक बार, और ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स की पावर क्या हो इंटू, देखो एक्स की पावर क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे मींस क्या हो आगे, और एक्स में से क्या हो, में से एक लेस हो जाएगा, तो क्या बचा उसको आगे लिख लेते हैं एक बार, क्या हो जाएगा माइनस पी क्या हो की पावर क्या हो माइनस 1 इंटू कोट सॉरी एक्स की पावर क्या हो माइनस 1 कोट की पावर पी माइनस 1 एक्स की पावर क्या हो इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स की पावर क्या हो। तो ये आया हमारा आंसर है, जो हमारा फिफ्थ पार्ट था उसका। कंफ्यूजन में नहीं होना है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पावर को, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे हमें, फंक्शन को, और फंक्शन के बाद सॉल्व करेंगे एंगल को। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें इन फोर्थ पार्ट को भी क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वो कह रहा है कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 2। अब देखो ध्यान रखना कि जब हम यहां पावर लिखते हैं ना, वो पावर होती है हमारे फंक्शन की, और ये पावर किसकी है हमारे पास, अब की बार एंगल की। तो सबसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, और इसका एंगल है 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर 2। और उसके बाद क्या करेंगे, d/dx ऑफ
दिस इज एंगल, एंगल क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 2, यही है। तो क्या होगा माइनस साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 एज इट इज इनटू, अब देखो इसके एंगल में भी पावर है तो क्या सॉल्व करेंगे उसके एंगल की पावर को भी पहले सॉल्व करेंगे, तो 2 आगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 में से 1 जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इनटू फिर करेंगे इसके फंक्शन का, तो एक्स स्क्वायर की क्या होगा 2x, यही होगा। तो क्या आया इसको आगे लिख लेते हैं एक बार, 2 जा 4x माइनस का साइन साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और या इसको या लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आया पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट का आंसर क्या था, सबसे पहले सॉल्व किया फंक्शन को, फिर सॉल्व किया उसके एंगल को और देखा कि उसके एंगल में भी हमारे पास क्या थी पावर मौजूद थी, तो उसके एंगल को भी हमने कैसे सॉल्व किया पावर फंक्शन और एंगल के प्रॉपर्टी से। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, secant 10x। अब देखो क्या हमारे पास इस फंक्शन का एंगल भी क्या है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले सीकेंट को सॉल्व करेंगे, सीकेंट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो सीकेंट का क्या होता है हमारे पास सीकेंट x tan x, तो क्या होगा सीकेंट x, x कितना है tan x इनटू tan x, tan क्या है और इसका एंगल भी क्या है tan x, यही होगा। और फिर क्या करेंगे d by dx ऑफ दिस एंगल, एंगल कितना है हमारे पास tan x, यही है हमारे पास। अब देखो secant x as it is secant tan x as it is और tan का एंगल tan x भी as it is, और अब देखो अब d by dx of tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है secant square x, तो इसको secant square को याद ही लेते हैं secant square x। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट कह रहा है कि sin इनटू इसका एंगल है हमारे पास रूट साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, यही होगा। अब देखो सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व करेंगे मीन साइन को, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस, और एंगल हमारे पास एज इट इज मीन साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। अब क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ देयर एंगल, एंगल क्या है हमारे पास रूट साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, यही है हमारे पास। अब देखो कोस रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, अब देखो इसके एंगल में क्या है रूट मौजूद है, तो सबसे पहले उस रूट को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट, वैसे ही सोल्व करते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और अब इस जो रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, यही होगा हमारे पास। अब देखो उसको आगे लिख लेते हैं एक बार, क्या होगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू क्या है हमारे पास कोस रूट साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, और अपॉन में आ गया हमारे पास 2√ साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, तो फोर्थ पार्ट के लिए इसे एक बार साफ कर देते हैं, तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा बिल्कुल एज इट इज है, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे पहले फंक्शन को फिर उसकी पहले पावर को सॉरी फिर फंक्शन को और फिर उसकी एंगल को। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट क्या रहा है कि साइन इंटू कोस एक्स, यही है हमारा। देखो इस साइन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास कोस एक्स, तो क्या लिख सकते हैं कोस इनटू कोस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ देयर एंगल, एंगल क्या है कोस एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब देखो कोस इनटू कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू देखो डी बाय डी एक्स, अब इसके भी क्या करेंगे फंक्शन को सॉल्व करेंगे पहले कोस का क्या माइनस साइन एक्स स्क्वायर और फिर एंगल का, एंगल का क्या होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो 2x ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं माइनस 2x कोस इनटू कोस एक्स स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर। तो यही होगा हमारा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसको हमने पूरा क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, मींस हमें पिछले क्वेश्चनों की तरह ही क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा इनको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलते हैं, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा इस क्वेश्चन का भी, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो करते हैं, तो सबसे पहले इनको देखो, जब हमारे प्लस और माइनस का कोई सुफिशियंट फार्मूला नहीं होता है तो सबसे हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। तो साइन क्यूब को सोल्व करेंगे क्या होगा, देखो अब मैं डायरेक्ट सोल्व करने जा रहा हूं, आराम से करना। पहले पावर को सोल्व करेंगे तो थ्री आगे और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे फंक्शन को, तो साइन का डिफरेंशिएट इंटू में लिखेंगे इंटू कोस, साइन का डिफरेंशिएशन कोस और एक्स, और फिर एक्स का क्या हो जाएगा वन, इसके एंगल का वन होगा प्लस, ऐसे इसको सोल्व करेंगे देखो थ्री आगे कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और कोस का होगा हमारे पास माइनस साइन एक्स और एक्स का वन। अब इसको क्या लिख लेते हैं, देखो थ्री कोस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसको ये माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, और थ्री साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, यही होगा हमारे पास इसका। तो अब चलते हैं, ये तो आसान था हमारा सेकंड पार्ट की तरफ, तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, देखो सेकंड पार्ट कह रहा है ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी कोस स्क्वायर एक्स, यही है हमारे पास। देखो ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स, सीधा डायरेक्ट सोल्व करूंगा, ध्यान से देखना। देखो ए एज इट इज क्या है, कॉन्स्टेंट है हमारा, और देखो साइन स्क्वायर को कैसे सोल्व करेंगे, टू आगे और साइन एक्स, इसका हो गया किसका पावर का। अब साइन का क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट कोस एक्स, इस फंक्शन का पूरे का काम कंप्लीट, प्लस बी एज इट इज कॉन्स्टेंट है इनटू, पहले टू को आगे ले आते हैं मींस टू कोस एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ माइनस साइन एक्स, यही होगा हमारे पास। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, देखो ये क्या हो जाएगा टू ए साइन इंटू कोस एक्स और प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, देखो ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस लिख लेते हैं एक बार, माइनस टू बी ये साइन एक्स आगे और इंटू कोस, यही होगा हमारे पास साइन एक्स इंटू कोस एक्स। और अब इसमें से अगर हम दो कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, क्या रहा है थर्ड पार्ट कि कोट क्यूब एक्स माइनस टेन रूट एक्स, यही हमारा पास। अब देखो कोट क्यूब एक्स वैसे ही सोल्व करेंगे, देखो पहले पावर को सोल्व करेंगे तो थ्री आगे कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इंटू कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो क्या लिख सकते हैं माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और एक्स का वन हो जाएगा माइनस, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास सेकंट स्क्वायर एक्स, तो क्या लिख सकते हैं सेकंट स्क्वायर और एक्स रूट एक्स, और फिर करेंगे इसके एंगल का तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन अपॉन टू रूट एक्स कंप्लीट। अब क्या लिखेंगे इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस थ्री कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और ये क्या है हमारे पास थ्री कोट स्क्वायर एक्स माइनस, ये एज इट इज हो जाएगा मीन सेकंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और हमारा इस तरह का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ जैसा, ऐसा क्वेश्चन हमारा कंपटीशन एग्जाम में भी ज्यादातर देखने को मिलता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं एयरफोर्स के पेपर देते हैं, ज्यादातर बच्चे नेवी का पेपर देते हैं, क्यों जब ट्वेल्थ करने के बाद हम डायरेक्ट किसी जॉब लेना चाहते हैं तो यही ऑप्शन होते हैं एयरफोर्स और नेवी, और ऐसे क्वेश्चन हमें एयरफोर्स में ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं और नेवी में भी मिलते हैं। तो देखो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, ध्यान से देखना x tan x माइनस x स्क्वायर sin x प्लस secant x इनटू इसकी पावर क्या है हमारे पास 5 अपॉन 2। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसकी पावर को सॉल्व करेंगे हम, तो पावर का क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2 आगे और इनटू x tan x माइनस x स्क्वायर sin x प्लस secant x और देखो 5 अपॉन 2 में से क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा इनटू होगा। अब इसका क्या करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे हमें, तो फंक्शन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसमें u इनटू v का फार्मूला लगेगा, तो x एज इट इज
tan x का क्या होगा secant square x प्लस फिर tan x as it is और x का हो जाएगा 1, तो इसका काम खत्म। अब इसमें भी क्या होगा माइनस x square as it is और sin x का क्या होगा cos x प्लस sin x as it is और x square का क्या होगा हमारे पास into 2x, यही होगा हमारे पास, इसका भी काम खत्म। प्लस क्या लिख लेते हैं एक बार, प्लस secant x का क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन है secant x into tan x, ये ब्रैकेट बंद, काम खत्म। अब आगे चलते हैं 5 upon 2 as it is, ये क्या हो जाएगा x tan x माइनस x square sin x प्लस का secant x और इसकी पावर देखो 5 upon 2 में से माइनस होगा 1 तो क्या बचेगा 3/2, यही होगा इनटू, ये क्या हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा x secant square x और प्लस का tan x लिख दिया। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा माइनस x square cos x और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x into sin x और प्लस में क्या है हमारे पास secant x into tan x, यही है हमारे पास। तो इतना बड़ा आंसर निकला हमारा किसका, हमारा जो लास्ट पार्ट था उसका। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में देते हैं, इसलिए ताकि बच्चे का टाइम खराब हो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा मैटर रखता है क्या टाइम, क्योंकि बच्चे टाइम में ही कंफ्यूजन होता है, 60-60 मिनट में 60-60 क्वेश्चन करने होते हैं और नेवी में तो 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं और वे इस तरह के आसानी क्वेश्चन देते हैं लेकिन क्या होता है थोड़ा लेंथी हो जाता है, बच्चों को टाइम लगता है ज्यादा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd टर्म। तो इस एक्सरसाइज को 7.2 एक्सरसाइज हमारी, इसको जो बाकी बचे क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक इस वीडियो में देखें और दोहराएं और अगली वीडियो के लिए वेट करें।